मुझे बहुत बहुत दिन से बेकन रैप प्रॉन्स खाने का मन कर रहा है, एंड ऑफ कोर्स अभी लॉकडाउन चल रहा है तो ये कहीं पे मिल भी नहीं रहा. सो आई थॉट आई एम गोना मेक माय बेकन रैप प्रॉन्स टुडे विद द इंग्रेडिएंट्स दैट आई हैव एट होम. अगर आपके पास कुछ नहीं होगा उसका भी ऑल्टरनेटिव मैं बोल दूंगी हाउ टू डू इट, एंड इट्स गोना बी एब्सोल्युटली डिलीशियस एंड आई जस्ट कांट वेट टू शेयर द रेसिपी विद यू ऑल. पहले मुझे प्रॉन का जो मैरिनेशन होगा उसको बनाना है. उसके लिए मैं लूँगी वुस्तशर सॉस. अगर आपके पास वुस्तशर सॉस नहीं है तो डोंट वरी, आप इंस्टेड सोया सॉस का इस्तेमाल कर लेना, इट विल वर्क वेरी वेल जो भी मैं डालने वाली हूँ. सो 1 teaspoon ऑफ दैट, 1 teaspoon ऑफ डार्क सोया सॉस. उसके साथ मैं डालूँगी मिंस्ड गार्लिक अराउंड 1 teaspoon, हल्का सा नमक अराउंड 1/4 teaspoon, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट ताकि एक अच्छा स्वीटनेस हो, शहद हनी अराउंड 1 teaspoon ऑफ दैट एज वेल. मैं इसको मिला के मैं पहले बैलेंस कर लूँगी कि टेस्ट ठीक आ रहा है कि नहीं. 1/2 teaspoon ऑफ चिली पाउडर एंड आई गिव इट अ गुड स्टर. एंड ये मेरे प्रॉन्स है जिसको मैंने डीवेन कर लिया है एंड उसका शेल निकाल लिया है, खाली टेल्स रखा हुआ है. एंड इसको मैं अपने मैरिनेशन में डाल दूँगी. मेरे सारे प्रॉन्स अच्छे से कोट हो चुके हैं एंड इसको अब मैं मैरिनेट करने के लिए 15 मिनट्स मिनिमम मैं छोड़ने वाली हूँ ताकि जो फ्लेवर्स है वो अच्छे से मेरे प्रॉन्स के अंदर घुस जाए. मेरे प्रॉन्स काफ़ी देर से मैरिनेट हो रहे हैं, सो नाउ आई एम गोना रैप देम इन बेकन. टेक इट ब्यूटिफुली, आई एम जस्ट गोना गो ऑल अराउंड इट विद द बेकन अच्छे से. मेरे प्रॉन्स अच्छे से रैप हो चुका है बेकन के साथ एंड नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू कोट बेकन ऑल्सो विद दिस लेफ्ट ओवर सॉस, मैरिनेशन जो था प्रॉन्स का. तो इससे जो है जो फ्लेवर्स है वो और ज़्यादा उभर के आएगा एंड द बेकन ऑल्सो विल बी अब्जॉर्बिंग द फ्लेवर्स. वाओ, दे रियली लुक नाइस. एंड नाउ दीज आर रेडी टू गो इन द ओवन एट 200 degrees centigrade टिल द बेकन इज क्रिस्प एंड द प्रॉन्स आर ऑल्सो कुक्ड अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 minutes. करीब 10 मिनट हो चुका है एंड एक साइड अच्छे से हो गया है. 10 to 15 minutes इफ यू सी. इसको मैं टर्न करूँगी एक और कोट कर. मैं इसको केयरफुली फटाफट से टर्न करके और एक ब्रश करके आई एम गोना पुट इट बैक इन द ओवन टू बेक फॉर अनदर 5 minutes. वाओ, दीज प्रॉन्स लुक फैंटास्टिक. इस पर मैं लास्ट एक कोटिंग लगाऊंगी सॉस का. वही मैं जो सॉस बनाई थी पहले उसका मैंने और थोड़ा सा अमाउंट बनाया ताकि मैं इसको कुक होने के बाद एक अच्छे से मैं इसको ब्रश कर सकूं एंड देन आई विल सर्व इट.